नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बैंकिंग क्या है, यानी बैंक क्या होते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम उन बिंदुओं को जान लेते हैं। पहला परिचय, दूसरा है परिभाषा, और तीसरा है बैंकों की आवश्यकता, कि हमें बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर क्यों, और चौथा है निष्कर्ष। परिचय, बैंक शब्द इटली के बैंकों से लिया गया है। विश्व स्तर पर प्रथम बैंक इटली के जिनेवा में 1404 ईस्वी में स्थापित किया गया, जिसका नाम बैंको दी सैन जियोर्जियो था, जिसे हम सेंट जॉर्ज बैंक के नाम से भी जानते थे और जानते हैं। भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा सन 1770 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। भारत में बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत देसी बैंकरों तथा महाजनों से मानी जाती है और हुई थी। वहीं क्राउथर के अनुसार आधुनिक बैंकों का पूर्वज सुनारों को कहा गया है। वे कहते हैं कि इन लोगों के पास, यानी सुनारों के पास, मूल्यवान वस्तुएं होती थीं, जिसकी सुरक्षा हेतु उन्होंने कड़ी व्यवस्था की थी, और जनता भी अपनी मूल्यवान वस्तुएं उन्हीं के पास रखती थी, जिसके बदले में वे कुछ निर्धारित शुल्क लिया करते थे। कौन? सुनार। यहीं से बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित है, जो वर्तमान समय में हमें दिखाई देती है। तो कहानी ये थी बैंकिंग के शुरुआत की, यानी किस प्रकार से बैंकिंग की शुरुआत हुई। अब देखते हैं परिभाषा। दो परिभाषाएं मैं आपको बताता हूं। पहला है भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार, जिसमें क्या कहा गया है कि बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोग के आशय से जनता से जमाएं प्राप्त करना है, जो कि मांग पर भुगतान योग्य होती है, तथा चेक, ड्राफ्ट तथा अन्य प्रकार की आज्ञा पर शोधनीय होती है। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जो ऋण देती है और विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में हमें क्या करती है, हेल्प करती है, किस प्रकार से हमें अपने धन को इन्वेस्ट करना है और उससे पैसा कमाना है। और बैंक क्या करता है, लोगों से जमाएं भी स्वीकार करता है, और लोग जब उस पैसे को मांगते हैं तो समय समय पे उस पैसे को देता रहता है। किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, और अन्य जो शोधनीय पत्र वगैरह हैं उन्हीं के हिसाब से वो पैसों को लेता रहता है और देता रहता है। एक विद्वान हैं सेयर्स, उनकी क्या परिभाषा है आप सुन लीजिए। बैंक वह संस्था है जिसके द्वारा ऋणों को दूसरे व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान में विस्तृत मान्यता प्राप्त है। यानी ये क्या है, एक संस्था है जिसे ऋणों के भुगतान करने के लिए मान्यता प्राप्त है। अब एक मैं आपको एक उचित परिभाषा देता हूँ, वो सुनिएगा, कि बैंक वह वित्तीय संस्था है जो मुद्रा तथा शाख पत्रों के विनिमय का व्यवसाय करने के साथ साथ शाख सृजन का कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि बैंकों की आवश्यकता क्यों हुई, आखिर क्या कारण है कि हमें बैंकों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है, बैंक धन, मूल्यवान वस्तुओं और साख पत्रों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा है, बैंक आवश्यकता पड़ने पर ऋण देते हैं। तीसरा है, बैंक पूंजी के निवेश की जानकारी देते हैं। चौथा है, बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में सहायक हैं। और पांचवा है, बैंक सरकार की नीतियों के संचालन में सहायक का कार्य करते हैं। छठवां है, बैंक मौद्रिक नीतियों का निर्माण करते हैं। और सातवां है, बैंक रोजगार सृजन का कार्य करते हैं। और आठवां है, बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी सहायक हैं। और नौवां है, बैंक शिक्षा ऋण से शिक्षा स्तर को सुधारने में सराहनीय कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है बैंकों की आवश्यकता है, मेरी, हमारी, हम सभी की बैंकों की क्या है आवश्यकता है,
इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक क्या है, हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, इस पूरे विश्व स्तर पे बैंकों की आवश्यकता है। निष्कर्ष, उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बैंक प्रत्येक देश, संस्था, फर्म, कंपनी तथा मानव जीवन में बहुत ही अहमियत रखता है। बैंक ही सभी वित्तीय लेनदेन के स्रोत हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को समृद्धि के चरम स्तर पर पहुंचाने में सहायक हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।